कांगड़ा जिला के नूरपुर के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर खजिया के समीप टटल नामक स्थान पर गत रात कांगड़ा की तरफ से आ रही कार के ड्राइवर के चालक की पिटाई कर दी, साथ ही गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। कार में सवार अन्य व्यक्ति राजकुमार ने ड्राइवर को तुरंत नूरपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद सुबह लगभग 4 बजे के आसपास शरारती तत्वों ने उसी गाड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी, जिससे गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हाँ जी बताइए, क्या बात है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह, रहने वाला हूँ। कल शाम को मैं हमीरपुर गया था अपना चाचा जी के साथ और उनकी लड़की के साथ। हम उधर से रिटर्न होके आ रहे थे और खजिया के पास जो है एक लड़का और एक आदमी और था उनके साथ। मैं उधर से आ रहा था और एक गाड़ी दूसरी साइड से पास कर रही थी और जो स्कूटरी लेके चले थे रॉन्ग साइड में पास कर रहे थे। मैंने ब्रेक मार दी, मैंने उनको बोला कि लाइट थोड़ी सो बंद कर लो, और दूसरा लड़का उतरा, उसने मेरे को गाली गलौज की, माँ बहन की, और उतर के उसने मुझे 2-3 थप्पड़ मार दिए। उसके बाद मैं उतरा, मैंने उसको बोला तूने दारू पी हुई है और तू घर चला जा। उसके बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी उसने मेरी गाड़ी का कांच का शीशा तोड़ दिया पत्थर से। मेरे साथ 5-10 मिनट हाथों पाई भी हुई। उसके बाद मैं साइड में जाके बैठ गया और उसने मेरा जो है पीछे से बार किया, पता नहीं किस चीज़ के साथ नहीं किया वो मुझे नहीं मालूम। और मेरे सिर में जो है चोट आई है, और प्रशासन को भी 2-3 बार मैंने कॉल करके बोला कि आप यहाँ के मौका देख लो। उन्होंने मेरे को यही बात बोली कि आप हॉस्पिटल आ जाओ, हॉस्पिटल आके पहले आप अपना इलाज कराओ, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद भी नहीं गई। मेरा बयान लेके फिर मैंने उनको बोला कि आप एक बार गाड़ी का मौका कर, उसके बाद भी उन्होंने गाड़ी का मौका नहीं किया। और सुबह के टाइम पे उन्होंने जो है दोनों लड़कों ने गाड़ी को जला दिया है। उनको जानते हैं आप कौन थे? वो दोनों लड़कों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और क्या नाम है? नाम क्या है? उसने 2-3 लड़के और बुलाए थे मारने के लिए, लेकिन वो लड़के भी, उनको भी मैं जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं। उन्होंने जब मुझे देखा वो वापस हो गए। जिसके साथ आपकी हाथापाई हुई उसका नाम क्या है? उसका नाम अंशु है, ऐसा कुछ नाम है उसका। और एक उस जो दूसरा है उसको चाचा करके बुलाते हैं, वैसे उसका नाम ट्रिक करके नाम है उसका। पंप के पास है उसके घर थोड़ा से आगे। तो ये वारदात घटी है। आज तो चलो मैं लोकल था तो मेरे साथ ये हुआ, कल को कोई बाहर का आदमी होगा तो ये तो मार ही देंगे उसको। आज हम तो लोकल है, हमने तो अपना बचाव कर लिया। अगर कोई बाहर का आदमी हो तो हमारा प्रशासन, मैंने रात को 2-3 बार बोला प्रशासन, तब भी नहीं आया। अभी देखो टाइम 8:30 हो गया, अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की हुई है। ठीक है, अगर मेरी जगह कोई बाहर का आदमी होता तो उस पेपर क्या होती, उसके ऊपर किया जाता, उसको कहीं मार के फेंक देते, उसके बाद जो है प्रशासन जो है कार्रवाई करता। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सिर में भी प्रॉब्लम आ रही है। सिर पर जो चोट लगी है आपके, किसी हथियार की चोट है, किस तरह की है ये? जो चोट लगी है किसकी है ये? पता नहीं क्या मारा हुआ क्या नहीं मारा, ये इसका कोई मालूम नहीं चला अभी क्या मारा हुआ क्या नहीं। सिर में जो है टांके लगी हुआ। क्या बात है सर? मैं राजकुमार ठहरिया से। जो रात को ये गाड़ी जलाई है, इसका जो ड्राइवर था वो भतीजा मेरा था। और रात को सर हम कांगड़ा की तरफ से आ रहे थे, और इधर से ट्रक जा रहा था नूरपुर की तरफ से, और एक स्कूटरी वाले जो लोकल वहाँ के जो थे दो लोग वो क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने दारू पी रखी थी। और सर उन्होंने, लड़के ने बोला कि चाचा जी बोला लाइट जरा डिपर मार लो थोड़ा, और रॉन्ग साइड चले हुए आप, और बारिश लगी हुई थी, भाई कीचड़ वगैरह था कि गाड़ी स्लिप हो जाए तो आपकी भी। उस लड़के, उसने चलाने वाले ने बोला कि कोई बात नहीं, और जो पीछे लड़का बैठा था उसने उतर कर और गाड़ी के ऊपर मुक्का मार कर और लड़के को फटाफट जाके बारिश से 2-3 चपेड़े लगा दिए। चपेड़े लगाने के बाद उसने
लड़का भी उधर बड़ा, उसके बाद उनकी इधर उधर की सीट साट होती रही, एक दूसरे को इधर उधर खींचते रहे, और उस लड़के ने उठा के फटाफट पत्थर उठाया और फ्रंट शीशे को मार गया, और बीच में बच्चे बैठे हुए थे वो कांच टूट के बच्चों को भी लगी है थोड़ी पैर में। और उसके बाद इतने करने के बाद फिर वहाँ और लोग आ गए गाँव के, साथ में घर थे वो आ गए, लेडीज़ भी आ गई वहाँ की कि आप छोड़ो ये हो गया हो गया। फिर हमने पुलिस वालों को भी फ़ोन किया रात को ही कि सर ऐसे ऐसी बात हो गई है, उन्होंने बोला कि आप ऊपर आ जाओ तो ट्रीटमेंट कराओ फिर आगे कार्रवाई करते हैं सर। फिर उसके बाद रात को उन्होंने ये भी धमकी दी कि आपको भी मारेंगे, उस लड़के को भतीजे हमारे को ये बोला कि मार देंगे और गाड़ी को भी जला देंगे। तो सर फिर हम इसको लेके आगे ऊपर, उसके बाद उन्होंने सुबह के टाइम में गाड़ी को भी जला दिया, वहाँ लोकल लोगों ने फ़ोन किया कि आपकी गाड़ी को जला दिया है सर। जब हमने जाके देखा तो आग लगी हुई थी गाड़ी में। नूरपुर के डीएसपी विशाल वर्मा ने बताया कि रात को ही विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर सुरेंद्र सिंह का मेडिकल करा लिया गया था तथा मौके पर पहुंचकर सभी तथ्यों की जानकारी जुटाई गई है। साथ में फोरेंसिक टीम ने भी मौके वारदात से साक्ष्य जुटाए हैं तथा मामले की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।